हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में पार्टी वियर लॉन्ग गाउन की कटिंग और स्टिचिंग करना बताएंगे। मैंने 3.5 मीटर का मेन फैब्रिक लिया है और 3 मीटर का इनर लिया है। पहले मेन फैब्रिक की कटिंग करेंगे। फैब्रिक को ओपन कर लेंगे। फैब्रिक को टू लेयर में फोल्ड करेंगे और टॉप पार्ट की मार्किंग कर लेंगे। देखिए, फैब्रिक को टू लेयर में फोल्ड कर लिया है। लेंथ 16 इंच पर मार्किंग करेंगे। 1 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है, वो सिलाई में जाएगा, टॉप पार्ट और बॉटम पार्ट। दूसरी साइड भी 16 इंच पर मार्किंग करेंगे। दोनों पॉइंटों को ज्वाइन करेंगे और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ से एक्स्ट्रा फैब्रिक को निकाल देंगे। अब फैब्रिक को फोर लेयर में फोल्ड करेंगे अपनी फिटिंग के मार्जिन के अकॉर्डिंग। शोल्डर 7 इंच पर मार्किंग करेंगे क्योंकि मैं बोटनेक बनाऊंगी। आर्म होल 7.5 इंच पर मार्किंग करेंगे और एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे और आर्म होल की राउंड शेप दे देंगे। ये फ्रंट वाला आर्म होल है और ये बैक वाला। यहीं से फिटिंग की मार्किंग करेंगे। जैसे फिटिंग है 32 इंच तो उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 8 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। अब कमर की फिटिंग की मार्किंग करेंगे 7.5 इंच पर। अब दोनों पॉइंटों को ज्वाइन करेंगे और लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये मार्जिन की मार्किंग कर ली है। अब इसकी कटिंग करेंगे बैक वाले आर्म होल से। जैसे मार्किंग कर रखी है एज इट इज कटिंग करेंगे। शोल्डर ओपन वाले साइड से हाफ इंच पर मार्किंग करेंगे, क्रॉस लाइन ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ से इसकी कटिंग करेंगे। सेंटर में कट लगा देंगे। अब फ्रंट वाले पार्ट को अलग करेंगे, सेंटर से फोल्ड कर लेंगे और जैसे मार्किंग कर रखी है एज इट इज इसकी कटिंग करेंगे। तो आप देख सकते हैं फैब्रिक को फोर लेयर में फोल्ड कर रखा था, इसमें से फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों की एक साथ कटिंग कर ली है। बॉटम पार्ट की मार्किंग करेंगे। टोटल फैब्रिक को टू लेयर में फोल्ड कर लेंगे। देखिए, फैब्रिक को टू लेयर में फोल्ड कर लिया है। इसमें से ये वाला कॉर्नर उठाएंगे और ट्रायंगल की शेप में फोर लेयर में फोल्ड कर लेंगे। आप देख सकते हैं फैब्रिक को फोर लेयर में फोल्ड कर लिया है। अब इसकी मार्किंग करेंगे। इसके ऊपर टॉप पार्ट रखेंगे, फोल्डेड वाली साइड रखेंगे और टॉप पार्ट को बॉटम पार्ट के ऊपर सेट करेंगे और मार्किंग कर लेंगे। अब टेप की हेल्प से दोनों कॉर्नर को बराबर करेंगे। और गोलाई में मार्किंग कर लेंगे इस तरीके से। और यहाँ से इसकी कटिंग करेंगे। मार्किंग पर इंची टेप रखेंगे और बॉटम तक 37 इंच पर मार्किंग करेंगे। 3 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे मार्जिन के लिए, वो बॉटम साइड फोल्ड हो जाएगा। तो टोटल 39 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। पॉइंटों में मार्किंग कर ली है। अब पॉइंटों को ज्वाइन करेंगे। और 3 इंच एक्स्ट्रा मार्किंग कर लिए, उसको बॉटम साइड फोल्ड कर देंगे।
अब जैसे मार्किंग कर रखी है एज इट इज इसकी कटिंग करेंगे। अब इनर की कटिंग करेंगे, इनर को 4 लेयर में फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर टॉप पार्ट सेट करेंगे। फोल्डेड वाली साइड फोल्डेड वाला पार्ट रखेंगे और साइड से इसकी कटिंग कर देंगे। फैब्रिक को 4 लेयर में फोल्ड कर रखा है, इसमें से फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों की एक साथ कटिंग हो जाएगी। देखिए इनर के दोनों पार्ट के एक साथ कटिंग कर ली है। अब इनर के बॉटम पार्ट की कटिंग करेंगे। टोटल फैब्रिक को 2 लेयर में फोल्ड करेंगे। देखिए फैब्रिक को 2 लेयर में फोल्ड कर लिया है। अब इसको ट्रायंगल की शेप में 4 लेयर में फोल्ड करेंगे। चारों तरफ से इसको सेट कर लेंगे। अब इसके ऊपर गाउन के बॉटम पार्ट को रखेंगे। टॉप साइड से सेट कर लेंगे। टॉप साइड से इसके बराबर फैब्रिक की कटिंग करेंगे। बॉटम साइड से इनर की 35 इंच पर मार्किंग करेंगे और इसकी कटिंग कर देंगे। अब स्लीव्स की कटिंग करेंगे। फैब्रिक को 4 लेयर में फोल्ड कर लेंगे। आर्महोल 9 इंच पर मार्किंग करेंगे। ओपन वाली साइड से 3 इंच पर मार्किंग करेंगे और आर्महोल की शेप दे देंगे। बॉटम साइड से 6 इंच पर मार्किंग करेंगे। दोनों पॉइंटों को ज्वाइन करेंगे और क्रॉस लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इसमें मार्जिन भी इंक्लूड है। अब इसकी कटिंग करेंगे। इसके सेंटर में कट लगा देंगे। फैब्रिक को 4 लेयर में फोल्ड कर रखा था, इसमें से दोनों स्लीव्स की एक साथ कटिंग कर ली है। अब टॉप पार्ट पर इनर अटैच करेंगे। टॉप पार्ट को रॉन्ग साइड से रखेंगे। इसके ऊपर इनर रखेंगे, चारों तरफ से सेट करेंगे और सिलाई लगा लेंगे, कच्ची सिलाई लगा लेंगे। अगर आप बिगनर्स हैं तो इसको चारों तरफ से पिनअप कर ले पहले, उसके बाद सिलाई लगाएं। सेम तरीके से दूसरे वाले पार्ट पर भी इनर अटैच करेंगे। टॉप के दोनों पार्ट पर इनर अटैच कर लिया है। अब मैंने ये बॉटम पार्ट लिया है और मेन फैब्रिक को और इनर को रख लिया है। 1/2 इंच का मार्जिन रखेंगे और सिलाई लगा देंगे। देखिए बॉटम पार्ट पर भी इनर अटैच कर लिया है। अब नेक की कटिंग करेंगे। मैंने ये बुकरम लिया है, इसको फोल्ड कर लिया है। 3 इंच पर मार्किंग करेंगे। लेंथ 4 इंच पर मार्किंग करेंगे और एक बॉक्स बना लेंगे।
अब बोट नेक की सेप दे देंगे। पहले रफली मार्किंग करेंगे, उसके बाद मार्किंग को डार्क कर लेंगे। बाहर की साइड से 1 इंच पर मार्किंग करेंगे। देखिए नेक की मार्किंग कर ली है, अब इसकी कटिंग करेंगे। देखिए फ्रंट नेक की कटिंग कर ली है और मैंने ये फैब्रिक ले लिया है, इसके ऊपर नेक रखेंगे और सिलाई लगा लेंगे। नेक को फैब्रिक पर अटैच कर लिया है और टॉप पार्ट को राइट साइड से रख लिया है और नेक को रॉन्ग साइड से रख लिया है। अब बुकरम के साइड से सिलाई लगाएंगे। पहले मैंने इसके सेंटर में सिलाई लगा दी है ताकि ये इधर उधर ना जाए। अब बैक नेक की कटिंग करेंगे, सेम 3 इंच पर मार्किंग करेंगे। लेंथ 2.5 इंच पर मार्किंग करेंगे। एक बॉक्स बनाएंगे और राउंड शेप देके इसकी कटिंग कर लेंगे। देखिए बैक नेक की कटिंग कर ली है, इसके ऊपर ओरेब की पट्टी अटैच करेंगे। दोनों नेक को रेडी कर लिया है, अब दोनों के शोल्डर अटैच करेंगे। दोनों पार्ट को एक दूसरे की राइट साइड रख लिया है और शोल्डर अटैच कर लेंगे। अब टॉप पार्ट और बॉटम पार्ट को अटैच करेंगे। दोनों को एक दूसरे की राइट साइड रख लिया है, हाफ इंच का मार्जिन रखेंगे और सिलाई लगा देंगे। देखिए टॉप पार्ट और बॉटम पार्ट को अटैच कर लिया है, सेम तरीके से बैक वाले पार्ट के टॉप और बॉटम को भी अटैच कर लिया है। अब फिटिंग की मार्किंग करेंगे। देखिए मैंने ये फिटिंग की मार्किंग कर ली है और दोनों साइड सिलाई लगाएंगे। पहले डबल सिलाई से लॉक कर लेंगे और मार्किंग के ऊपर सिलाई लगाएंगे। सेम तरीके से दूसरी साइड भी सिलाई लगा लेंगे। देखिए गाउन के दोनों साइड सिलाई लगा ली है। अब बॉटम साइड से फोल्ड करेंगे। 3 इंच पर मैंने एक्स्ट्रा मार्किंग करी थी, हाफ इंच अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और सिलाई लगा लेंगे। इस तरीके से फोल्ड करते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। इनर के बॉटम साइड भी सिलाई लगा ली है। इसी तरीके से गाउन के चारों तरफ सिलाई लगा लेंगे। देखिए गाउन को बॉटम साइड से फोल्ड कर लिया है और इनर को भी फोल्ड कर लिया है। अब गाउन पर स्लीव्स अटैच करेंगे। गाउन पर स्लीव्स अटैच कर लिए हैं और गाउन बनके रेडी हो गया है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।